स्टॉक ट्रेडिंग 360 में गाइस आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वीकेंड में मैं आप लोगों के साथ मल्टी वेगर स्टॉक्स शेयर करूंगा, जो सुपर रिस्की स्टॉक्स होंगे बट मनी मेकिंग स्टॉक्स भी आप लोगों के लिए बन सकते हैं। तो पहला उनमें जो स्टॉक है गाइस, आप देखेंगे शारदा प्रोटीन लिमिटेड, ये स्टॉक का नाम है गाइस। और ये कंपनी जो है शारदा प्रोटीन, ये एग्री कमोडिटीज और एडिबल ऑयल्स जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल्स और मस्टर्ड सीड्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। आगे मार्केट कैप मात्र 21 करोड़ का मार्केट कैप है और इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में जो है ओवर वैल्यू दिखा रहा है इंडस्ट्री का पी, तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन में दिखा रहा है। आरओसी की बात करें तो 15%, आरओई की बात करें तो 13%, और अगर प्लेस कंपनी का एक भी गिर शेयर जो है गिर भी नहीं है गाइस। 331 का हाई लगा चुका है स्टॉक, 123 पे ट्रेड कर रहा है, 9 रुपीज की जो है बुक वैल्यू है स्टॉक की। तो बाकी सारे के सारे फंडामेंटल जो है इसके पॉजिटिव है गाइस। और आप देखेंगे कि ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा करेक्ट हुआ, यानी कि इस लेवल से जो स्टॉक है वो इस यहाँ 200 EMA के आसपास आ चुका है, तो यहां पर आपको मूवमेंट दिखा सकता है स्टॉक। अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं तो 2 करोड़, यानी 2.79 करोड़ की सेल्स कंपनी ने जनरेट की है, जो पिछले साल मात्र 75 लाख की थी, तो यहां इंक्रीज हुई है सेल्स। और आप देखेंगे कि अभी जो है नेट प्रॉफिट यहां पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, बट आपको जल्दी भी प्रॉफिट मेकिंग होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका निगेटिव में चल रहा था वो अब जो इसका पॉजिटिव में आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें जो माइनस में रहा है काफी टाइम तक कोविड के बाद से भी, वो अब जो है इसका पॉजिटिव में फिगर आने चालू हुए, तो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी आपको नेट प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव में शो करती हुई नजर आएगी। तो शारदा प्रोटीन लिमिटेड, ये स्टॉक के बारे में आप लोगों को मुझे सोचा कि बता दूं मैं आपको। और आप देखेंगे कि 263% यानी सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ जो है पॉजिटिव है, और लास्ट 5 सालों से सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव है। एक साल में 244% यानी 244% रिटर्न दिया इसने अपने निवेशकों को। और अगर मैं बात करूं इसके रिजल्ट्स की, तो आप देखेंगे कि कंपनी के पास निगेटिव में रिजल्ट यहां पर शो कर रहे हैं, हालांकि डेट भी कंपनी पर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव चीज है गाइस। तो अभी जो है कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे यहां पे 28% की प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखा रहा है। अब मेरे आज के जो चैनल, आज की जो वीडियो में मैं आपको 8 स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूं, उसमें ये स्टॉक शायद ऐसा है जिसमें 28% की होल्डिंग है, बट इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। यानी आप 500,000 या 2,000 रुपए इस स्टॉक में आप बाय करके चल सकते हैं, 5 शेयर 10 शेयर भी लेके बाय करके चल सकते हैं गाइस। पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा है बट आपको ये स्टॉक भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, तो शारदा प्रोटीन लिमिटेड स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं गाइस। और इसके अलावा जो मैं आपको कंपनी के बारे में और बताता हूं कि कंपनी के रिजल्ट्स की बात करता हूं कि कंपनी ने अभी तक रिटर्न किस तरह का दिया है। आप देखेंगे कि कंपनी का जो रिटर्न है, कंपनी 2018 में कंपनी मार्केट में आई, वहां से आने के बाद में कंटिन्यूस ऊपर भाग रही है, और अभी जो इसने टॉप पर जो है 5,984 यानी 6,000% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। और अभी जो है इतना ज्यादा रिटर्न देने के बाद जो कंपनी का स्टॉक है 57% जो है करेक्शन में दिखाई दे रहा है, एक बाय बनता है गाइस आप लोगों के लिए अगर रिस्क ले सकते हैं इस स्टॉक में। आरएसआई भी इसका जो है ओवरसोल्ड में भी आ रहा है, 30 पर इसका आरएसआई लेवल चल रहा है, तो यहां से जो है थोड़ी बहुत अपसाइड जाने की पूरी पूरी गुंजाइश है, पूरे पूरे चांसेस है कि स्टॉक जो है वो अभी वापस आपको तेजी में आते हुए दिखाई देगा। कुछ स्टॉक इस कंपनी के बाय करके चल सकते हैं। मैं लेके चलता हूं अब आपको दूसरे स्टॉक की तरफ। मोस्ट पॉपुलर शेयर है ये स्टॉक है सिक्को इंडस्ट्रीज, काफी अच्छी कंपनी है गाइस ये भी, जो कि एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स और बायो फंगिसाइड्स, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स भी कंपनी तैयार करती है, मैन्युफैक्चर करती है। आप देखेंगे मार्केट कैप 187 करोड़ का है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में, जो है स्टॉक का पी थोड़ा सा आपको हाई पे दिखाई दे रहा है। आरओसी की बात करें तो इसका 12.9%, आरओई की बात करें 9.29%, बुक वैल्यू 13.9 की है, 111 पर स्टॉक का प्राइस है, 138 का हाई लगा चुका है स्टॉक। कंपनी का एक भी शेयर गिर भी नहीं है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। 3 महीने में अपने निवेशकों को सिर्फ 9% का रिटर्न दिया इसने, 6 महीने में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है गाइस, जो यहां पर अभी शो नहीं कर रहा है, मैंने फिल्टर नहीं किया। आप देखेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक है वो इतने टाइम तक ये कंसोलिडेशन में रहा है, जब से रिजल्ट इसने अच्छे पेश किए, तो अब जो है 50 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है, और हाँ 50 DMA पर ही कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इसके रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे कि 15 करोड़ की सेल्स कंपनी ने जनरेट की है सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले साल मात्र 12 करोड़ की सेल्स थी, तो यहां पर सेल्स जो है इंक्रीज हुई है।
और वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये सारे जो फिगर है इसमें सिर्फ ये आपको निगेटिव दिखाई दे रहा है, बाकी जो है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, यहां पर भी आप देखेंगे थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो 5 करोड़ यानी 5 करोड़ से जो डिक्रीज हुआ है वो 1.69 करोड़ की हुआ है, बट हालांकि कंपनी जो है वो सेल्स अच्छी प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रही है। जो 16 करोड़ के एक्सपेंसेस थे उनको 12 करोड़ का कर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मैं यहां तक अगर कंसिडर ना भी करूं तो इस लेवल से देखेंगे अगर पॉजिटिव में ही चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी के अप्स एंड डाउन में चल रहे हैं, बट यहां से जो है वापस ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रिजर्व्स की मैं बात करूं तो 12 करोड़ यानी 12 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, बोरोइंग मात्र 1 करोड़ की है, तो कंपनी को डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। प्रमोटर होल्डिंग इसमें स्टॉक में शेयर नहीं हो रही है, मैं गाइस इसको चेक करके बताता हूं आपको कि इनकी बेसिकली प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। रिटेल की जो है वो 28% की होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें आ चुके हैं जिनकी होल्डिंग जो है वो 0.13% की है। तो ओवरऑल जो है एक अच्छा स्टॉक है गाइस, सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक, आप इसको बाय करके चल सकते हैं और आपको अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है, इतनी ताकत रखता है कि आपको अच्छे खासे रिटर्न ये दे दे, क्योंकि यहां पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो भी 71% के आसपास की है गाइस। तो 71% जो है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है वो काफी ज्यादा मैटर करती है गाइस, और आपको अच्छे खासे रिटर्न ये कंपनी दे सकती है क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस। इस स्टॉक को आप अपनी रडार में जरूर रखिए, और आप जहां मैंने आपको बोला शारदा प्रोटीन अगर आपको 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डबल क्वांटिटी के साथ में सिक्को इंडस्ट्रीज को बाय करके चल सकते हैं गाइस। करंट लेवल भी एक अच्छा वैल्यू बनता है इस स्टॉक को बाय करने के लिए, बट अगर आपको एक 105 और या फिर 100 के लेवल में मिलता है स्टॉक तो बहुत अच्छा आपको बाय बनता है और आपको अच्छे खासे वहां से प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा आप स्टॉक। तो इस स्टॉक पर भी आप अपनी नजर रखिए गाइस। चलता हूं मैं तीसरे स्टॉक की तरफ। इससे पहले कि दूसरा स्टॉक में रिकमेंड मतलब अब दूसरे स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि सिक्को इंडस्ट्रीज के जो ब्रांड है वो पूरा एग्रीकल्चर फील्ड को इसने जो है पूरी तरह से उसको सर्व करती है, फार्मिंग इंडस्ट्री को, यानी कि हमारी कृषि प्रधान देश है हमारा, तो उसको पूरी तरह से ये पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करती है, फंगीसाइड्स। इसके अलावा जो है ये सीड्स वगैरह का भी बिजनेस करती है, और केमिकल्स जितने भी हैं जो फार्मिंग में यूज होते हैं गाइस वो इसमें ये उसमें डील करती है कंपनी। तो कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी है गाइस और अच्छे खासे रिटर्न आपको दे सकती है, तो इस स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं गाइस। अब मैं चलता हूं आपको नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। लास्ट माइल एंटरप्राइजेस और रियल एस्टेट की कंपनी है ये, और इसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन में के प्रोजेक्ट जो है मैनेज करती है। आप देखेंगे 112 करोड़ का मार्केट कैप है, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में जो है कंपनी का की जो पीए है काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। आरओसी की बात करें तो 13.9%, आरओई की बात करें 32%, बुक वैल्यू 4.72 रुपीज की है, करंट प्राइस 96 पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक 129 का हाई लगा चुका है। प्लेस कंपनी का एक भी स्टॉक नहीं है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनी का एक भी शेयर जो है वो गिर भी नहीं है, और कंपनी का जो स्टॉक है वो 50 डीएमए को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है, जैसे ही थोड़ा नीचे आता है 50 डीएमए पर फिर से अपसाइड मूवमेंट आपको दिखाई देने को मिलती है। अब सेल्स की बात करें जो कि कभी इसने परफॉर्म नहीं किया, बट लास्ट 2 क्वार्टर से पॉजिटिव में जा रहे हैं इसके सेल्स, और जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 था गाइस, अब 3 क्वार्टर से जो कंपनी की नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुई है और प्रॉफिट में दिखाई दे रही है कंपनी। आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ प्रॉपर मेंटेन कर रखी है कंपनी ने, और 550% का रिटर्न दिया इसने एक साल के अंदर। रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव में शो कर रहा है, कुछ बैड लॉन्स होंगे कंपनी के ऊपर, बट हाँ वो क्लियर किए जा सकते हैं क्योंकि 12 करोड़ की अगर सेल जनरेट कर रही है तो आपको ये डेट फ्री कंपनी होती हुई दिखाई दे सकती है। डिपेंड करता है आने वाले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करती है कंपनी। 68% की हिस्सेदारी है कंपनी ने, इतने टाइम ड्यूरेशन में कभी भी अपने शेयर जो है वो गिर भी नहीं किए। पब्लिक की होल्डिंग जो है मात्र 31% की है, तो ओवरऑल जो कंपनी जो है वो तो ठीक ठाक कंपनी है गाइस। अब चलते हैं इसकी वेबसाइट पे कि कंपनी की वेबसाइट पर क्या कंपनी की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। लिमिटेड ये कंपनी की वेबसाइट है गाइस, अगर आप लोग एक्सेस कर पाए तो इस कंपनी जो है, कंपनी इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी, द कंपनी इज मैनेज्ड बाय कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेरी ब्राउजर में ये कंपनी जो है वो अभी यहां पर
शो नहीं हो रही है, आप इसको चेक कर सकते हैं अपने ब्राउजर में भी। बाकी कुछ अलग थर्ड पार्टी ऐप पर भी इसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो कंपनी जो है 28 साल पुरानी कंपनी है। इसके अलावा जो अहमदाबाद में इसके ऑफिस है, गुजरात गुजरात के स्टेट में भी इनका जो है बिजनेस इनका चल रहा है। कंपनी के अगर मैं बात करूं, कंपनी के ने कैसा रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, वो हम देख लेते हैं एक बार। कंपनी जो है वो 2016 में यानी 2016 में कंपनी लिस्ट हुई है। उसके बाद से लेके टॉप बॉटम से लेके टॉप तक अगर मैं बात करूं तो 836 यानी 836% का रिटर्न दिया इसने। और कंपनी का जो स्टॉक है वो प्रॉपरली ऊपर ही जा रहा है। मैक्सिमम अगर करेक्शन की बात करें तो गाइस करेक्शन अपने टॉप से इसने 42% का दिया है। अगर मैं यहां से बात करूं तो कंपनी का जो स्टॉक है यहां पर भी 32% यानी 40% के आसपास के कंसोलिडेट होता है। उसके बाद में फिर वापस तेजी बन जाती है। अभी ये फेज जो मैं बात करूं तो ये जो इसका कंसोलिडेशन का फेज है गाइस, ये यहां से लेके यहां तक ये कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। और जैसे ही इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आपको अपसाइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 109 रुपए यानी 109 पर स्टॉक का प्राइस अगर ब्रेक होता है ये लेवल, तो यहां से जो है स्टॉक में तेजी आने की पूरी पूरी चांसेस हैं। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो दोबारा रिपीट करना चाहूंगा गाइस ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड को। शायद कुछ चीजें मैंने जो है वीडियो में मैंने पोस्ट करके किया था तो शायद अपडेट ना, मतलब मैं नहीं दे पाया प्रॉपर। मैं ओरेकल क्रेडिट कंपनी का नाम है गाइस, और एक 124 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, इंडस्ट्री P26 का है, और काफी ज्यादा ऊपर हाई वैल्यूएशन पर भी स्टॉक दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 21 रुपीज की है, करंट प्राइस 179 का है, 341 का हाई लगा चुका है स्टॉक। कंपनी का एक भी शेयर जो है वो गिर भी नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं गाइस, काफी लंबे टाइम तक कंपनी ने जो कंसोलिडेट किया था, इसके बाद में कंपनी में अपसाइड मूवमेंट आया। अभी 50 डीएमए को से नीचे जा चुका है स्टॉक। बात करते हैं अगर इसके फाइनेंशियल्स की, आप देखेंगे कि कंपनी जो है वो लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही है, और यहां पर सेल्स ग्रोथ आ रही दिखाई दे रही है हम लोगों को। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज ही हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं रिजर्व की, तो आप देखेंगे 8 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है, बोरोइंग मात्र 6 करोड़ की है, तो कोई मेजर इश्यू नहीं है गाइस। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो काफी लंबे टाइम तक पहले 31% की थी, जो एकदम से इंक्रीज की कंपनी ने, जो कि हो चुकी थी 62% की, बस वापस थोड़ी सी डिक्रीज की है माइनस से, अभी 46 पर है। ओवरऑल जो है काफी लंबे समय के बाद जो कंपनी ने प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है इंक्रीज की है, अपनी होल्डिंग जो है इंक्रीज की है, और पब्लिक की होल्डिंग जो है 53% की है, जो कभी 68% की हुआ करती थी। ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड की अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो बॉटम से लेकर टॉप तक कंपनी ने 836% का रिटर्न, 827% का रिटर्न दिया है। यहां पर पहले भी इसने करेक्शन दिया है जिसमें 15% और 40% का करेक्शन हुआ है, बट अगर मैं अभी 40% के आसपास इसने अपने टॉप से गिरावट आई है 37% की, और अगर मैं यहां से अगर मैं बात करूं तो अभी भी 44% की इसमें करेक्शन हो चुकी है। आप इस स्टॉक को इस लेवल पे बाय कर सकते हैं गाइस, ये जो लेवल आपका आ रहा है स्टॉक की बात करूं तो मैं आपको ये 150 का लेवल जो आ रहा है, ये 150 के लेवल पर आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं और आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड स्टॉक की बात करें तो दिल्ली में इनका ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस इनका मुंबई से ऑपरेट करती है कंपनी, और ओरेकल क्रेडिट ग्लोबल के नाम से यानी क्रेडिट ग्लोबल के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है पूरी तरह से। इसका जो नाम है, जो ब्रांड है, वो पूरी तरह क्रेडिट ग्लोबल के नाम से हो चुका है। हालांकि बीएसई पर जो स्टॉक का नाम आता है वो ओरेकल क्रेडिट ही आता है अभी भी। तो कंपनी जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। मनदीप सिंह जो है, मनप्रीत या मनदीप सिंह जो है, वो लंदन में इनके पार्टनर है, जो वहां पर भी ऑपरेट करते हैं, और अपनी कुछ फर्म को इसके साथ में इंटीग्रेट किया है, और मिलकर ये कंपनी जो है, जो आदित्य कनौरिया जी जो है यहाँ के, आदित्य विक्रम कनौरिया जी जो है वो यहाँ पर सीईओ है कंपनी के ओरेकल क्रेडिट के, और उनके जो पार्टनर है वो वहां से लंदन से ऑपरेट करते हैं। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है गाइस, कुछ नहीं पता ये कंपनी भी आने वाले टाइम में आपको बजाज फाइनेंस जैसे भी रिटर्न दे सकती है, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी डिपेंड करता है कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर कंपनी किस तरह के रिजल्ट पेश करती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ गाइस। गाइस यहाँ पर देखेंगे कंपनी का नाम है वेलकास्ट स्टील, जो स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी इंजीनियरिंग सेक्टर को पूरी तरह सर्व करती है। आप देखेंगे कि मार्केट कैप कंपनी का 50 करोड़ का, और इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी काफी ज्यादा अंडरवैल्यूड है। बुक वैल्यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग 593 की है, और 792 पर स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। 1261 पर कंपनी का स्टॉक हाई लगा चुका है।
आरओसी आरओई की वैल्यू जो है नेगेटिव है गाइस, प्लेस कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। अगर मैं बात करूं भाई इस कंपनी के फाइनेंशियल मतलब चार्ट मूवमेंट की, तो आप देखेंगे कंपनी काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन में रही है, उसके बाद में एक अपसाइड मूवमेंट आया क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शानदार थे। अभी जो कंपनी का जो स्टॉक है ना वो इस तरह की मूवमेंट दिखा रहा है, यानी ये कंसोलिडेशन फेज है गाइस। इस कंसोलिडेशन से निकलने के लिए इसको इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा जो 910 का है और आपको 978 का लेवल भी है। सेल्स की बात करें तो कंपनी के 9.57 करोड़ की कंपनी की सेल्स आई है इस बार, जो पिछले सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट यहां पे इंक्रीज हुआ है सितंबर पिछले साल से 87 लाख से 1 करोड़ 8 लाख का हो चुका है। प्रॉब्लम क्या हुई है इस कंपनी में, प्रॉब्लम ये हुई है गाइस कि जहां पर ये जून क्वार्टर में 3.52 करोड़ की जो सेल्स जनरेट की थी कंपनी से, सीधे वहां से 5-6 गुना हो चुकी थी, और यही रीजन था कि कंपनी का जो स्टॉक था वहां पर इसने अपसाइड मूवमेंट लगाया। यहां पर जून में जैसे इसका रिजल्ट आया अगस्त के आसपास जून क्वार्टर का, तो वहां से तेजी आई जहां पे 220% यानी 220% का कंपनी ने स्टॉक ने रिटर्न दिया। फैक्टर पॉजिटिव है गाइस, आपको क्वार्टर ओवर क्वार्टर इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंपनी एक अब, क्योंकि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 600 रुपए के आसपास की, 600 के आसपास की बुक वैल्यू है, तो आपको इसका जो प्राइस आपको 1500 यानी 1500 2000 भी जाता है वो दिखाई दे सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से इसके रिजल्ट्स को एग्जामिन करता है और किस तरह की वैल्यूएशन उसको प्रोवाइड करता है। रिजर्व्स की बात करें तो गाइस स्ट्रॉन्ग 37 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, बोरोइंग मात्र 1 करोड़ की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रमोटर्स की होल्डिंग की, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, कभी भी शेयर कोई भी गिर भी नहीं रखा कंपनी ने, कुछ नहीं किया, और 74.85% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। टीआईआई की हिस्सेदारी है गाइस 0.01%, पब्लिक की होल्डिंग मात्र 25% है। वेलकास्ट की बात करें तो इसने टॉप से इसने अपने निवेशकों को 260% का रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं इसके प्रोडक्ट्स की, तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट्स जो है इसके स्टील के प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग सेक्टर को डील करती है कंपनी, ये इस तरह के इसके प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे आप देखेंगे तो। कंपनी के जो अगर मैं बात करूं ऑफिस की, तो वेलकास्ट कोलकाता से मैं कंपनी में इनका ऑफिस है, वेस्ट बंगाल में ऑफिस है इनका, वेस्ट बंगाल को कोलकाता वहीं पर वर्क है, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी वहीं पर है, इंजीनियरिंग सेक्टर का अच्छी खासी कंपनी है गाइस। आप इस स्टॉक को भी बाय करके चल सकते हैं कुछ स्टॉक के साथ, और ये कंपनी भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है क्योंकि इसकी बुक वैल्यू ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, ये इसका मैक्स फैक्टर है। चलता हूं अब आपको लेके नए स्टॉक दूसरे स्टॉक की तरफ। कंपनी का नाम है गाइस देव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप देखेंगे कि 268 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है थोड़ा ओवर वैल्यूड दिखा रहा है यहाँ पे, अगर इंडस्ट्री पी से हम कंपेयर करते हैं तो। आरओसी जो आप देखेंगे 6.7%, आरओई नेगेटिव में दिखा रहा है, बुक वैल्यू 15 रुपीज की है, करंट प्राइस 121 का है। स्टॉक का हाई जो ऑल टाइम हाई लगा चुका है 144 का लगा चुका है। कंपनी का एक भी शेयर जो है वो गिर भी नहीं है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंड पॉजिटिव चीज। इसके अलावा आप देखेंगे कि कंपनी का स्टॉक प्रॉपर आपको बॉटम से लेकर टॉप तक ये 50 डीएमए को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है, यहां इसने सपोर्ट लेगा वापस आपको तेजी में जाते हुए दिखाई देगा स्टॉक। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात अगर हम करें तो 26 करोड़ की कंपनी ने सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करूं जो नेगेटिव में दिखाई था, पॉजिटिव में आ चुकी है कंपनी, यानी 1.67 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है बैलेंस शीट में, और आप देखेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ अब जो है सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है पॉजिटिव में आ चुके हैं। एक साल में 300% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। और अगर रिजर्व्स की बात करें तो 24 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, बोरोइंग की बात करें तो मात्र 13 करोड़ की कंपनी के ऊपर डेट है, बोरोइंग है। वही अगर मैं बात करूं प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो 68% की स्ट्रांग हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की, एफआईआई की हिस्सेदारी है इसमें 1.81% की, पब्लिक की होल्डिंग मात्र 30% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो कंपनी एक अच्छा बाय बनता है आप लोगों के लिए, देव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक का नाम है। आप देखेंगे जैसा कि मैंने इसमें चार्ट में भी दिखाया आपको, पूरी प्रॉपर तरीके से कंपनी का जो स्टॉक है 50 डीएमए को रेस्पेक्ट कर रहा था वहां पर, तो ये देखिए अपसाइड का मूवमेंट ही है इस कंपनी में। और मैं वहीं लेके जाऊंगा इसकी वेबसाइट पर, तो देव आईटी के बारे में, तो देव आईटी की ये वेबसाइट है गाइस, और ये इनके क्लाइंट है। अगर देखें माइक्रोसॉफ्ट गोल्ड पार्टनर है इनका, माइक्रोसॉफ्ट और AWS पार्टनर के साथ में काम कर रही है, AWS कंसल्टिंग, Adobe के साथ में काम कर रही है, Sonicwell के साथ में काम करती है, Sify.com के साथ भी कंपनी काम कर रही है। तो ये इसके क्लाइंट है, जो मेजर इसने क्लाइंट यहाँ पे शो किए हैं, अडानी जी के ज्वाइंट वेंचर जो है उसके साथ भी ये कंपनी काम कर रही है। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, नेट पे आपको मिल जाएगी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। डिजिटल टेक्नोलॉजी इन्फो ट्रांसमिशन ये कंपनी का, ये यहाँ पर इसको ये डाला हुआ है ये डिटेल में।
एक्सेलरेट योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इन क्लाउड ऑटोमेशन एंड डेटा, तो कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है गाइस। इस कंपनी को आप अपनी रडार में जरूर रखिए, इसके कुछ स्टॉक्स इसके बाय करके चल सकते हैं। अगर 1000 रुपए भी आप इन्वेस्ट करेंगे गाइस, 121 पे अगर 1200 रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 1200 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 शेयर्स भी आ जाते हैं, तो आप इनको उन 10 शेयर्स को आप बाय करके रख सकते हैं। क्योंकि अगर आने वाले टाइम में आपको ये 500-1000 रुपए का यह प्राइस आपको जाते हुए दिखाई देता है या 2000 का भी देता है फ्यूचर में, तो आपकी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स से भी ज्यादा हो जाएगी गाइस। तो डिपेंड करता है कि आप इस स्टॉक को आप कैसा आपको लगा ये स्टॉक। बाकी क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करती है, मोबिलिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वेब एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन की सर्विसेज भी देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, तो एक अच्छा बाय बनता है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। हालांकि मैंने जो लिस्ट थी वो ऑलरेडी मैंने बना ली थी गाइस, बट ये मेरा सुपर रिस्की स्टॉक में नहीं है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। मैं आज जो आपको टोटल जो मेरे पास जो शेयर्स हैं गाइस, मेरे पास टोटल 8 शेयर्स हैं, तो 8ों रिस्की स्टॉक्स में ये इस स्टॉक को मैं रिस्की कैटेगरी में नहीं डालूंगा, थोड़ा सा गलती होगी मेरे से आज। तो गाइस आप इस स्टॉक को देखेंगे कि रत्नमणि मेटल्स का जो मार्केट कैप है 13,877 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। इंडस्ट्री पी जो है वो 17 का है और उसके कंपैरिजन में स्टॉक का पी थोड़ा सा हाई पे दिखाई दे रहा है। आरओसी एंड आरओई जो है पॉजिटिव है 19.6% एंड 15.2%। बुक वैल्यू 338 की है, करंट प्राइस अभी 1980 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 2141 पर कंपनी का स्टॉक अपना हाई लगा चुका है। कंपनी का एक भी शेयर जो है वो गिरवी नहीं है, पॉजिटिव चीज है। कंपनी का जो स्टॉक है गाइस स्लो चलता है थोड़ा सा, लेकिन 50 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट करता है। यहां से कंसोलिडेशन ओवर होगा तो वापस आपको ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देगा स्टॉक। रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का 900 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल सितंबर में मात्र 712 करोड़ की थी, तो यहां इंक्रीज हुई है सेल्स। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है गाइस, 72 से 99 करोड़ का हो चुका है। आप देखेंगे 72 करोड़ से 99 करोड़ का हो चुका है, तो कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे कि यहां से इस फिगर को देखेंगे तो कंपनी जो है वो अच्छा खासा 5-6 क्वार्टर से अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर रिजल्ट्स की बात करें तो स्ट्रांग रिजल्ट्स है कंपनी के पास, 2,354 करोड़ का जो रिजल्ट्स है कंपनी के पास, बोरोइंग मात्र 137 करोड़ का कंपनी के पास बोरोइंग है गाइस। इसके अलावा जो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 60% की है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। FIS की हिस्सेदारी है इसमें 12.5% की, DIIs की होल्डिंग है 16.25% की, पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है गाइस। FIIs DIIs इजीली शेयर अपने सेल नहीं करते और पब्लिक की होल्डिंग यानी कि फ्लोटिंग शेयर जो है बहुत ज्यादा कम है, तो इस स्टॉक को भी बाय करके चल सकते हैं। आप देखेंगे कि आप ये स्टॉक जो है लगातार अपसाइड मूवमेंट में ही है गाइस, टॉप से बॉटम से लेकर अगर मैं टॉप तक की बात करूं तो कंपनी जो है 63% रिटर्न दे चुकी है एक साल के अंदर। 5 सालों का अगर हम देखेंगे तब भी पॉजिटिव ही है, और इसने कंपनी 2006 में आई थी, 2006 से लेकर अब तक अपसाइड मूवमेंट ही है। यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है इस स्टॉक का जो कि ये एरिया था, और उसके बाद में जो कंपनी का जो स्टॉक है वो लगातार अपसाइड की मूवमेंट पर ही जा रहा है, और प्रॉपर इसमें कंसोलिडेशन भी होता है गाइस, प्रॉफिट बुकिंग भी होती है एक सीधी लाइन में, यानी कि ऐसा नहीं है कि सीधे कंपनी बस भाग ही रही है गाइस, और ऐसी कोई कंपनी भागती ना तो गिरावट भी उसी लेवल की आती है। अभी क्या है इसमें प्रॉपर सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है, तब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है रत्नमणि मेटल। इस कंपनी को आप बाय करके चल सकते हैं गाइस, और आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे ये कंपनी रिटर्न दे सकती है। लॉन्ग टर्म के वैसे शॉर्ट टर्म में कह रहा हूँ गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को रखिए। रत्नमणि मेटल लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, जो 1993 से जो है वो ऑपरेट कर रही है मेटल्स एंड ट्यूब्स में। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है आप ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ये फ्यूचर भी है, कंपटीशन इसमें भी काफी ज्यादा है हालांकि, लेकिन इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा हाई लेवल की है। इसके अलावा आप कंपनी का देखेंगे कि कंपनी अहमदाबाद गुजरात में है और बस्तारपुर में इनका एड्रेस यहाँ पर डाला हुआ है, और सुगरलैंड टेक्सास में इनका, तो कंपनी जो है अपने डोमेस्टिक मार्केट को और इंटरनेशनल मार्केट को भी पूरी तरह मैनेज करती है। तो रत्नमणि मेटल्स लिमिटेड रिस्की स्टॉक नहीं बोलूंगा गाइस, इसको स्ट्रांग स्टॉक बोलूंगा, तो मैं वो अपनी जो भी मैं अपने यूट्यूब में अपडेट करूंगा बैनर उसमें टाइटल में, तो वहां पर ये अपडेट कर दूंगा कि जो बाकी स्टॉक्स हैं वो हाई कैटेगरी रिस्क में आते हैं, बट ये रत्नमणि मेटल जो है बहुत स्ट्रांग स्टॉक है गाइस। ये गलती से मैंने नोट कर लिया, बट ये स्ट्रांग स्टॉक है, आपको अच्छे खासे रिटर्न ये कंपनी आने वाले टाइम में दे सकती है। इसके कुछ 10 शेयर्स भी अगर आप 19,000-20,000 का भी इन्वेस्टमेंट कर दें
तो ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है आने वाले 10-12 सालों में। इस स्टॉक को भी आप अपनी रडार में रख सकते हैं गाइस। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ से। जो हमारा जो स्टॉक है गाइस वो उसको यहीं पर देख लेते हैं गाइस। हम इसमें ये रिस्की स्टॉक तो नहीं है गाइस, बट रिस्की मैं इसने इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो मैं सारी चीजें बताता हूँ, सारे फैक्टर्स बताता हूँ। 1295 करोड़ का मार्केट यहाँ पे कंपनी का, इंडस्ट्री P34 का है गाइस। आप देखेंगे कि ROC जो है वो 31% से ज्यादा का है। ROE की बात करें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग 30% से ज्यादा का है। इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में जो है 265 का जो है इसका वो स्टॉक का पी है। बुक वैल्यू मात्र 1.81 की है, यानी 1.81 रुपए की है। 82 पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 89 का हाई लगा चुका है। कंपनी का एक भी शेयर गिर भी नहीं है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। और समित इंफ्रा कर दी गया वेस्ट मैनेजमेंट एंड रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड पेट्रोल एंड ट्रेडिंग इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये इसकी इसमें डील करती है कंपनी। आप देखेंगे कि कंपनी का जो चार्ट है वो देखिए धीरे 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 कंपनी जो है एक दिन गिरती है एक दिन उठ जाती है, इस तरह से कंपनी का मूवमेंट रहता है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके सेल्स की, आप देखेंगे 32% की सेल्स कंपनी ने जनरेट की है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी माइनस से डिक्रीज हुई है, 19-20 का डिफरेंस है। नेट प्रॉफिट माइनस से डिक्रीज हुआ है, बट कोई मेजर इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक में नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के प्रॉफिट की, 5 सालों से कंपनी के जो 3 सालों से कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव है। 5 सालों की भी पॉजिटिव है, 10 सालों की भी पॉजिटिव है। इस साल थोड़ा सा माइनर से डिक्रीज हुई है गाइस गाइस। बाकी आने वाले टाइम के क्वार्टर जो है वो भी डिपेंड करते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करती है। वैसे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, आने वाले टाइम में जो आपको ये अब यहां से भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है उसके पीछे रीजन है। इसके प्रोडक्ट्स में आपको बताऊंगा कि किस में और बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि कंपनी किस में डील करती है बेसिकली। तो रिजर्व देखेंगे, 13 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व से, बोरोइंग मात्र 6 करोड़ की है, तो कंपनी डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी आप देखेंगे स्ट्रांग, जो कंपनी ने इंक्रीज करती जा रही है लगातार, 72% से ज्यादा की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की। पब्लिक की होल्डिंग मात्र 27% की है, तो एक बाय बनता है आप लोगों के लिए। एटलीस्ट इसके 10 शेयर्स भी ले लेंगे आप तो 820 रुपए 820 के आपके स्टॉक्स आएंगे और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भूल सकते हैं। सन्मित इंफ्रा की बात करें तो देखिए चार्ट प्रॉपर इसका बॉटम से लेकर टॉप तक, 1 साल के अंदर इसने 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। भाई मैं 5 सालों की बात करूंगा तो आप देखेंगे 6190% का। तो कंपनी 4-5 सालों में 6000% का रिटर्न, 6% 6000% से ज्यादा का, यानी 6000% से ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है मात्र 4 सालों के अंदर। तो 2018 में स्टॉक आया लिस्ट हुआ और वहां से लेके अब तक की कंपनी 6000% 6000% रिटर्न दे चुकी है। सन्मित इंफ्रा के बारे में अगर ज्यादा आप डिटेल में जानेंगे तो किस तरह की सर्विस ये करती है, डील बायोमेडिकल में डील करती है, पेट्रोलियम की ट्रेडिंग में डील करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इसके प्रोडक्ट्स है। सन्मित इंफ्रा लिमिटेड टुक ए स्टेप फॉर सेफ गार्डिंग द एनवायरमेंट एंड द इकोसिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल में काम करती है कंपनी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में डील करती है, इन्फेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में जो यूज होते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पेट्रोलियम ट्रेडिंग ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसमें डील करती है। HPCL कंपनी जो है इसकी क्लाइंट है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है, कंस्ट्रक्शन में डील करती है कंपनी। और कंपनी की जो प्रेजेंस है, अभी कंपनी कहाँ से ऑपरेट करती है, मुंबई से कंपनी ऑपरेट करती है। तो प्रॉपर एक अच्छी कंपनी है गाइस, अच्छा खासा बिजनेस मॉड्यूल मुझे इसका लगता है। और इसका ज्यादा कुछ खास ऑफिस नहीं है, मुंबई में इनका ऑफिस है। तो ये आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं गाइस, फंडामेंटल इसके काफी ज्यादा मजबूत है क्योंकि ROC की बात करें 31% का है, ROE जो है वो 30% का है। तो ये कंपनी मुझे स्टॉक आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, सुपर रिस्की में भी है बस आपको यहां से भी मल्टीवेगर रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। स्टार्ट किया है और अच्छे खासे शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी मैं आपको स्टॉक रिकमेंड कर सकता हूँ। ये मेरा नंबर है गाइस, इसमें इस पर आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9045549234, ये मेरा नंबर है गाइस। आप कभी भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ या किसी काम में स्टक हूँ तो गाइस आप लोग मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी आप अपना ड्रॉप कर सकते हैं ताकि मैं आपको कॉल बैक कर लूँ। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा गाइस और मिलता हूँ नए स्टॉक में, नए स्टॉक के साथ में आप लोगों के साथ में। तो आज की जो मैंने आपको जो 8 स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं गाइस, उनके नाम है सिक्को इंडस्ट्रीज, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड, आई थिंक ये मेरा कवर करने से रहेगा, सुपर बॉम्बे सुपर हाइब्रिड स्टॉक उसको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
तो सनमित इंफ्रा ये स्टॉक मेरी लास्ट रिकमेंडेशन थी। तो आज के जो स्टॉक्स है, सिक्को इंडस्ट्रीज, लास्ट माइल, ओरिकल क्रेडिट, वेलकास्ट स्टील, देव इन्फॉर्मेशन, रत्नमणि मेटल, सनमित इंफ्रा, ये स्टॉक्स हैं गाइस। ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं यहाँ से। तो इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। थैंक यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।